तो बेसिकली दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि बहुत सारे मेरे पास जो कमेंट्स आ रहे थे ना कि सर वो बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, सर वो बैंक से कुछ डिटेल्स मांग रहे हैं, बैंक की सैलरी स्लिप मांग रहे हैं, तो उसी के बारे में बेसिकली मैं बात करूँगा कि अगर बैंक स्टेटमेंट मांग रहे हैं या और भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, तो उसी के बारे में बेसिकली आज हम जानेंगे। सो ये वीडियो लास्ट तक का आप जरूर देखते रहना, इसके बाद आपका जितना भी कन्फ्यूजन या डाउट है सारा खत्म हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना आईटी इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से छोटी सी इंट्रो के बाद। तो दोस्तों मैं सीधी सिंपल भाषा में बात करूंगा कि पता नहीं आप लोग कौन सी कंपनी में जाते हो, कहाँ पे जाते हो कि वो बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने अभी रिसेंटली 3 कंपनी चेंज कर दी है, मुझसे तो कहीं नहीं बैंक स्टेटमेंट वगैरह या ऐसी चीज़ें मांगी गई। हाँ, बस ये ज़रूर है कि वो सैलरी स्लिप मांगते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है। अब ये चीज़ तो होती है क्योंकि उसमें PF नंबर वगैरह होगा, PF नंबर से सारी डिटेल आपकी मिल जाएगी, तो वो PF नंबर ही होता है, ये फैक्ट है। लेकिन अगर बात करूँ बैंक स्टेटमेंट की या बैंक की डिटेल्स की, तो ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो आपका बैंक स्टेटमेंट मांगे। अब बात यहाँ पे मैं करता हूँ कि अगर वो सैलरी स्लिप मांगते हैं या PF नंबर वगैरह मांगते हैं, अगर आपका PF नंबर है ओल्ड तो वो आप वही दे सकते हो, नहीं तो आप उसे हाइड करके बता सकते हो मेरे पास PF नंबर नहीं है। तो कोई सी भी कंपनी हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, अगर वहाँ पे PF डिडक्शन होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपका PF नंबर नया क्रिएट करवाते हैं और PF नंबर वो वहाँ पे नया देते हैं। एंड दोस्तों जो दूसरा फैक्ट क्या कि चलो वो बैंक स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप वगैरह मांगते हैं, अब सैलरी स्लिप में सारा कुछ अगर आप दोगे तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा कंपनी का, या मतलब जज जो उसमें कंपनी का नाम वगैरह लिखा होगा। तो अगर आप एज ए स्टार्टिंग करियर जा रहे हो, आप उनसे बोलो कि सर वो एक छोटी कंपनी थी, सैलरी जो आती थी वो लाइक इन हैंड आती थी, वहाँ पे PF वगैरह का डिडक्शन नहीं होता था और आपने वो सैलरी वहाँ पे दिखानी है। अब वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट वगैरह ऐसी चीज़ें कुछ नहीं मांगते हैं, बस अगर आपके पास उस कंपनी का एक्सपीरियंस लेटर वगैरह या रिलीविंग लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, ऑफर लेटर, ये अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे हैं और आप अगर सैलरी स्लिप खुद से भी क्रिएट करके दे रहे हो या उस कंपनी ने भी दी अगर वो सबमिट कर रहे हो, तो वहाँ पे ऐसा कहीं नहीं होता कि आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगे या बैंक की डिटेल्स मांगे, ऐसा कहीं भी नहीं होता। बैंक की डिटेल्स सिर्फ वो इसलिए मांगते हैं क्योंकि उनको आपके अकाउंट में पैसे भेजने होते हैं, आपके अकाउंट में सैलरी भेजनी होती है, वो इस वजह से बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, ना कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करने के लिए। इस वजह से वो आपका अकाउंट नंबर या FSC कोड या नेम एज पर बैंक, ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिटेल्स मांगते हैं। बस बैंक स्टेटमेंट अभी तक मेरे एक्सपीरियंस से लिटरली टू बी वेरी होनेस्ट मैं बता रहा हूँ कि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। और करेंटली मैं वर्किंग हूँ एक मल्टीनेशनल कंपनी में, मैं वर्किंग हूँ एक अच्छे डेजिग्नेशन पे वर्किंग हूँ एज ए टीम लीडर, तो वहाँ पे ऐसी कभी मेरे साथ वो चीज़ें नहीं हुई और ना अभी तक मेरे से मांगी गई। और ऐसा होता भी नहीं है कि आपका सैलरी से ले बैंक स्टेटमेंट सारे, बस आपका मेन जो होता ना सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करो कि एक्सपीरियंस लेटर, ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, ये सारी चीज़ें मिल जाएं, बाकी आपका 100% क्लियर हो जाना है किसी भी तरीके। सो आई होप दोस्तों इससे पूरा क्लियर हो गया हो कि बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगते, वो सैलरी स्लिप मांगते हैं। अब सैलरी स्लिप के जगह आपको क्या बताना है, क्या बोलना है, तो वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हों। इसके बाद भी अगर आपको कोई कमेंट्स या क्वेरी है, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आपको ऑन स्पॉट आंसर चाहिए, बिल्कुल ऑन स्पॉट, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ से, या मेरी वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे विजिट करके वहाँ उस वेबसाइट में आपको वहाँ पे चैटिंग का प्रोसेस मिल जाएगा और वहाँ पे जाके मेरे साथ चैट भी कर सकते हो। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दे रहा होगा, वहाँ पे क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि अगर मैं अगर कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपका मिस ना हो। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत।